हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एडजस्टमेंट शेयर करूंगा जो आप कर सकते हो एक आयरन फ्लाई में और एक आयरन कॉन्डोर में। इन दोनों स्ट्रेटजीज में आप इस एडजस्टमेंट को अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, ये दोनों स्ट्रेटजी है, इनमें आपका जो लॉस है वो डिफाइंड होता है, जो आपका रिस्क है वो प्री डिफाइंड होता है कि जब आप ट्रेड को इनिशिएट करते हो तभी आपको पता होता है कि इस ट्रेड में मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो जो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है अगर मार्केट उसमें रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट उस रेंज के बाहर जाता है ऊपर या नीचे किसी भी तरफ तो आपको लॉस होगा। तो देखिए इस लॉस को हटाने के कई तरीके हैं, इस पर मैं काफी वीडियोस पहले भी ला चुका हूं। तो देखिए सबसे आसान तरीका तो यह है कि मार्केट जिधर भी आपको चैलेंज करता है उसके अपोजिट साइड में आप जाइए और एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को आप सेल करके और उस तरफ जितना भी आपको लॉस था उसको आप कम कर दीजिए या हटा दीजिए। तो सबसे आसान तरीका तो ये है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि मार्केट उस रेंज में जाएगा तो अब आपको लॉस तो नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एडजस्टमेंट शेयर करूंगा जिसमें आपका ब्रेक इवन है, जिस तरफ मार्केट ने आपको चैलेंज किया है उस तरफ आपका ब्रेक इवन है, ये काफी दूर शिफ्ट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट है ये भी बढ़ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे आपका प्रॉफिट है ये इंक्रीज होगा, मतलब अगर मार्केट आपके लॉस मेकिंग जोन में जाता है तो वहां पे अगर आप ये एडजस्टमेंट करते हो तो ना सिर्फ आपका लॉस है वो कम होगा बल्कि आपका प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये एडजस्टमेंट क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं बिना टाइम वेस्ट के सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17576 पे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करूंगा और वहां पे ये एडजस्टमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं, 24 नवंबर की सीरीज को मैंने ओपन कर लिया है और मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है 17576 पे। तो यहां पे मान लीजिए आप एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करते हो 17500 के लेवल पे, तो यहां पे आप क्या करोगे, 17500 का आपने एक कॉल ऑप्शन सेल किया, इसका एक लॉट आपने सेल कर दिया और 17500 का आपने एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया जिसका प्रीमियम है 310 रुपीज, तो इसका भी एक लॉट आपने सेल कर दिया। अब आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हेजेस बाय करोगे। अभी क्या है, ये एक स्ट्रैडल है तो स्ट्रैडल को मैं एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करूंगा, कैसे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हेजेस बाय करके। तो 17500 से मैं 300 पॉइंट नीचे जाता हूं और 17200 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूं, तो इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया। उसी तरह से 17500 से मैं 300 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 17800 का मैं एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, ये है एक स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 12,000 रुपीज का। और यहाँ पे अगर मार्केट इस प्रॉफिटेबल रेंज के बाहर जाता है ऊपर या नीचे किसी भी तरफ तो मुझे लॉस होगा और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है 2,200 रुपीज का। तो ये है एक स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई। अब अगर मार्केट मान लीजिए इस प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ के और ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है जहां पे आपको 2,200 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो आप किस तरह का एडजस्टमेंट कर सकते हो, इस लॉस को किस तरह से हटा सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे एक वन विंग आयरन फ्लाई को ट्रेड करना है। जी हाँ, यहाँ पे आप एक वन विंग आयरन फ्लाई को जब डिप्लॉय कर दोगे तो ये जो आपका लॉस दिख रहा है ये पूरा हट जाएगा और इस रीजन में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो वन विंग आयरन फ्लाई क्या है और इसको किस तरह से डिप्लॉय करना है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए मैंने क्या कर रखा है, 17500 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है, 17500 का पुट ऑप्शन सेल किया है और नीचे मैंने जो हैज बाय किया है वो 17200 के स्ट्राइक पे है और ऊपर जो मैंने हैज बाय किया है ये 17800 के स्ट्राइक पे है। तो मैं क्या करूंगा, 17800 से ऊपर जाऊंगा 100 पॉइंट ऊपर जाके और 17900 के लेवल पे मैं एक वन विंग आयरन फ्लाई को ट्रेड करूंगा। तो वन विंग आयरन फ्लाई क्या है मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए ऊपर मैं चलता हूं, तो देखिए वन विंग आयरन फ्लाई में क्या करेंगे, 17900 का मैं एक कॉल ऑप्शन सेल करूंगा, 17900 का मैं एक पुट ऑप्शन सेल करूंगा और एक जो स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई होती है उसमें क्या होता है, यहां से नीचे की तरफ मैं एक हैज बाय करूंगा, यहां से ऊपर की तरफ मैं एक हैज बाय करूंगा, ये हो जाएगी एक स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई। लेकिन मैं यहां पे क्या करूंगा, क्योंकि एक वन विंग आयरन फ्लाई है तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ मैं किसी तरह का कोई हैज बाई नहीं करूंगा, मैं नीचे की तरफ एक हैज बाई करूंगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, 17900 का मैं एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं और 17900 का मैं एक पुट ऑप्शन सेल कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, 17900 से 300 पॉइंट, क्योंकि मेरी जो ओरिजिनल आयरन फ्लाई है उसकी कितनी विड्थ है 300 पॉइंट की, तो यहां पे मैं 17900 से 300 पॉइंट नीचे जाऊंगा और 17600 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा। तो देखिए जो हैज है ये मैंने नीचे की तरफ तो बाई कर लिया है लेकिन ऊपर की तरफ मैं किसी तरह का कोई हैज बाई नहीं करूंगा। तो देखिए ये होगी एक वन विंग आयरन फ्लाई। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट नीचे कहीं भी जाता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी जहां मुझे लॉस हो रहा था वहां पे मुझे प्रॉफिट होगा। मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है इस ट्रेड में वो 15,000 रुपीज का है और मेरा जो फिक्स प्रॉफिट होगा, जो ये दो कोन आपको दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में अगर
मार्केट रहता है तो मुझे जो कम से कम प्रॉफिट होगा वो 10,000 रुपीज का होगा। तो अब आप देखिए, आपको जो 2,200 रुपीज का लॉस हो रहा था उस एरिया में, अब आपको कम से कम 10,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और अगर इस कोन पे आके मार्केट एक्सपायर होता है तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 15,000 रुपीज से भी ज्यादा का है। तो आपका ब्रेक इवन है, इसको आपने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। इनिशियली आपका ब्रेक इवन कहां पे था, ऑलमोस्ट 17,750 के आसपास आपका ब्रेक इवन था, लेकिन अब आप देखिए आपका ब्रेक इवन है ये ऊपर चला गया है, 18,200 के लेवल पे ये चला गया है। और अगर मार्केट यहाँ पे चला जाता है, इस लेवल पे भी चला जाता है, तो इसको आप फर्दर और आगे भी शिफ्ट कर सकते हो। तो ये है वो एडजस्टमेंट, ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है अपने ब्रेक इवन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करने का। मैंने अपने ब्रेक इवन को मोर देन 450 पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है, और इसको शिफ्ट करने में मैंने किसी तरह का कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है, ऑन द कॉन्ट्रेरी मेरा प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। इनिशियली जहां पे मुझे लॉस हो रहा था 2,200 रुपीज का, वहां पे मुझे अब कम से कम 10,000 रुपीज का प्रॉफिट है। और अगर इस कोन में जाके मार्केट एक्सपायर होता है तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 15,000 रुपीज का है। तो ये एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, ये मैंने ऊपर की तरफ आपको करके दिखाया है। सेम आप नीचे की तरफ भी कर सकते हो, अगर आयरन फ्लाई को मार्केट नीचे की तरफ चैलेंज करता है तो आपको क्या करना है, एक वन विंग आयरन फ्लाई को ट्रेड करना है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑपोजिट करना है, जो हैज आप बाई करोगे वो ऊपर की तरफ करोगे। यहाँ पे मैंने जो हैज बाई किया है वन विंग आयरन फ्लाई में, ये नीचे की तरफ किया है। देखिए मैंने 17,900 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, 17,900 का पुट ऑप्शन सेल किया है, और नीचे की तरफ मैंने हैज बाई किया है 17,600 पे, और ऊपर की तरफ मैंने किसी तरह का कोई हैज बाई नहीं किया है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ चैलेंज करता है तो जो आप एडजस्टमेंट करोगे, जो वन विंग आयरन फ्लाई आप बाई करोगे, उसमें आपको ऊपर की तरफ कोई हैज बाई नहीं करना है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ चैलेंज करता है आपके आयरन फ्लाई को, तो जो आप डिप्लॉय करोगे वन विंग आयरन फ्लाई, उसमें आपको ऊपर की तरफ का हैज बाई करना है, नीचे की तरफ का हैज आपको बाई नहीं करना है। तो ये एक एडजस्टमेंट है, जब भी मार्केट आपके आयरन फ्लाई को ऊपर या नीचे किसी भी तरफ चैलेंज करे, चाहे वो आयरन फ्लाई हो चाहे वो आयरन कॉन्डोर हो, ये एडजस्टमेंट आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, वन विंग आयरन फ्लाई को आपको ट्रेड करना है, एक तरफ का हैज आपको बाई नहीं करना है, सिर्फ एक साइड का ही हैज आपको बाई करना है। लेकिन इसके कॉस्ट है, आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे थोड़ी ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये ऑलमोस्ट 1,68,000 रुपीज है। तो ये मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है, 75%। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी डिसेंट है, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी डिसेंट होगा, लेकिन आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर जाएगी। तो चलिए ये है वो एडजस्टमेंट जो आप यूज कर सकते हो, बोथ आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर दोनों में आप इसको यूज कर सकते हो और अपनी प्रॉफिटेबल रेंज को बढ़ा सकते हो। और आपको करना क्या है, यहाँ पे एक वन विंग आयरन फ्लाई को आपको डिप्लॉय करना है, जिस तरफ भी मार्केट आपको चैलेंज करता है उसी तरफ। पहले मैंने सोचा था कि ये वीडियो एक मेंबर्स ओनली वीडियो रख के और वहां पे ये टेक्निक मैं बताऊं, लेकिन देन आई थॉट कि चलिए इसको मैं ओपन रखता हूं और पब्लिकली इसको अपलोड करता हूं। तो देखिए बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। अगर आपके पास मार्जिन की कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस एडजस्टमेंट को यूज कर सकते हो, थोड़ी सी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है ट्रेड में, जब आप इस तरह का एडजस्टमेंट करते हो। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर ये दो ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जहां पे आपको लॉस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे आप मल्टीपल एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो चैनल के मेंबर्स हैं उनका एक स्किल टेस्ट होगा इस वीकेंड पे। मैं मेंबर्स ओनली ग्रुप है उस पर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दूंगा। तो स्किल टेस्ट है इस वीकेंड पे होगा, जहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, इस मंथ जो हमने सीखा है, जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसके बेसिस पे भी, या जो मेंबर्स ओनली वीडियो है उनके बेसिस पे भी, मतलब जो भी हमने इस मंथ सीखा है उसी से रिलेटेड ये सवाल होंगे। तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे स्किल टेस्ट में, जिनका आपको जवाब देना है। तो ये स्किल टेस्ट इस वीकेंड पे होगा, इसकी सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ। Thank you.